ये पासपोर्ट कंट्रोल, अभी हम चलते हैं इस साइड थाईलैंड एंड कंबोडिया फ्रेंडशिप ब्रिज। पीछे देख सकते हैं ये मेरा कंबोडिया का इमिग्रेशन ऑफिस है। सामान जो है भाई, ये हमारी बस है जो हमें कंबोडिया बॉर्डर तक लेके जाएगी। 1:00 प्लेटफॉर्म 121 121 Mokit bus terminal. अभी हम आए मोचक बस टर्मिनल में कंबोडिया के लिए टिकट लेने। सी के कहाँ से मिलता है देखते हैं। How much? 250? How many one pao? One o'clock. Platform. 121. One two one. Okay. वो ओके। तो भाई हमें ये टिकट मिल चुका है, 1 बजे जो है हमारी बस है। सो अभी हम चलते हैं। अभी हमारा 121 प्लेटफॉर्म है, अभी हम आके यहाँ बैठ जाते हैं। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म है 121 120 119। ये हमारा टिकट है। सो ये है बस टर्मिनल मोचित। सो लेट्स शो के इस तरह का है बैंकॉक का बस टर्मिनल। आप नाना से जो है ट्रेन लेके मोचित पर उतर जाएं तो वहां से टैक्सी करके यहां आ सकते हैं। जब नाना से ट्रेन पे चढ़ेंगे तो मोचित पे उतरने के बाद आप यहां पे आने के लिए आपको टैक्सी या बाइक करनी पड़ेगी अगर आपके पास लगेज कम हो। तो ये रहा बस स्टेशन टर्मिनल, बस टर्मिनल बैंकॉक का मोचित। यहाँ से ऑलमोस्ट पटाया, पुकेट, कहीं भी जाती हैं ऑलमोस्ट दूसरे शहरों में यहाँ से बसेस जाती हैं। और ये जो है, और यहाँ से कंबोडिया के लिए भी जाती हैं। तो अभी हमारी जो बस है वो 1 बजे आएगी। हमारा प्लेटफॉर्म वो 121 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बसेज होती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ बसेज कैसी होती हैं ये बैंकॉक की, हम उससे देख सकते हैं। फाइनली भाई हमारी बस आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं संथान 2011। ये हमारी बस है जो हमें कंबोडिया बॉर्डर तक लेके जाएगी। तो अभी हम अपना सामान वगैरह जो है रखते हैं, फिर चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, ठीक है। फिर आपको बॉर्डर तक की इन्फॉर्मेशन देते हैं किस तरह आप बॉर्डर कैसे पहुंचते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, ये गाड़ी हमारी आ चुकी है कंबोडिया जाने के लिए। कंबोडिया बॉर्डर अरण्य प्रदेश, वहाँ के प्रदेश से जाएंगे कोईपेट कंबोडिया बॉर्डर, ठीक है। ये बस है मोचित बस टर्मिनल की, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इस पर बैठ के जाएंगे कंबोडिया बॉर्डर। सामान जो है रख रहे हैं भाई, अभी हमको बस दिखाते हैं। सो बस का जो इंटीरियर है जो ऐसा है, जो ड्राइवर की सीट है ये यूनिफॉर्म है। टिकट 7A
ห้องน้ำเนาะเซเว่นมานั่งอันนี้มานั่งอันนี้ चलिए हम चलते हैं हमारे सीट जो है सेवन है तो ये रही हमारी सीट ठीक है ऑलमोस्ट हमें जो है चार्जिंग के लिए पोर्ट वगैरह दिए हैं और देख सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज करना होता है यहाँ पे कर सकते हैं कंबोडिया बॉर्डर के लिए तो अभी वहां पहुंचकर आपको बाकी अपडेट दे देंगे। पाँच घंटे का सफर करने के बाद एक स्टॉप पे रुके हैं और यहाँ पे जो है खाने वगैरह का सिस्टम है ठीक है तो यहाँ से बंदा थोड़ा फ्री होकर रेस्ट वगैरह करके टॉयलेट वगैरह से फ्री होकर फिर चल सकते हैं। बॉर्डर से एक घंटे पीछे हैं जो मेरे पास घंटे भी बचे हैं और आइए रुका हुआ है बस खाने पीने के लिए अभी यहाँ से 5 घंटे बस है ब्रेक है उसके बाद फिर बस चल पड़ेगी अंबोरिया बोर्डर के लिए। तो अभी हम 7:45 जो है कंबोडिया बॉर्डर पर पहुँच गए हैं अभी हम चलते हैं थाईलैंड एग्जिट करने के लिए। बस जो है बहुत ही स्लो स्पीड पे आई और जो है ये हमारे भाई एक हैं थाईलैंडी हाय इज अ नाइस पर्सन गुड। अभी हम चलते हैं कंबोडिया की साइड फिर आपको दिखाते हैं ये राख में भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो अरण्य प्रतिट है यही है। 6 घंटे का सफ़र होता है मोचित से लेकर कंबोडिया बॉर्डर दोनों के हमें जो है ऑलमोस्ट 7.5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। देखें लोग आ रहे हैं यहाँ मिनी वैन है मिनी बस इसको कहते हैं। ये पासपोर्ट कंट्रोल अभी हम चलते हैं इस साइड ये थाईलैंड साइड है तो फाइनली इमिग्रेशन थाई की जो है कंप्लीट हो गई है अब हम थाई से एग्जिट कर रहे हैं थाई बॉर्डर से तो अब हम जा रहे हैं कंबोडिया साइड। जो थाई इमिग्रेशन क्वेश्चन हुए और जो प्रोसेस हुआ वो मैं सब आपको हॉस्टल में जाकर बताऊंगा। तो अभी चलते हैं कंबोडिया इंटर करते हैं लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये है वो फ्रेंडशिप ब्रिज थाईलैंड और कंबोडिया के बीच
Thailand and Cambodia Friendship Bridge. So हम enter कर चुके हैं अब हम चलते हैं Cambodia immigration की तरफ. Let's see के क्या बनता है कंबोडिया का. जो थाई वालों ने तो बड़ी चुनी हुआ थाई में जब पाकिस्तान से आ रहे थे, अभी जो है थाई से एग्जिट करे तो काफ़ी चीज़ें पूछी. सो 10-15 मिनट वेट भी करवाया. अब चलते हैं कंबोडिया की साइड. ये कंबोडिया आप देख सकते हैं चेक पॉइंट. फाइनली हमने अभी कंबोडिया का जो इमिग्रेशन है वो क्लियर कर लिया है. तो आप पीछे देख सकते हैं ये मेरा कंबोडिया का इमिग्रेशन ऑफिस है. इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाद में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी और क्या क्या चीज़ें मांगते हैं. ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको जाके हॉस्टल में बताऊँगा. तो भाई ये कंबोडियन भाई है. व्हाट्स योर नेम? मॉन्ग. तो भाई इन्होंने मुझे अपने पास अभी फिलहाल 1-2 घंटे के लिए जगह दी थी और इन्होंने मुझे अपना वाईफाई वगैरह सब कुछ दिया था. उन्होंने ही मुझे कार्ड वगैरह सिम कार्ड सब कुछ प्रोवाइड किया था. सो फाइन गाड़ी में बैठ चुके हैं. सो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ. अभी रात के जो है 11 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सीम रिप कंबोडिया बॉर्डर से. सो यू आर फ्रॉम कंबोडिया? नाइस. व्हाट्स योर नेम? मिस्टर चाय. मिस्टर चाय, वाओ. यू नो चाय? ए टी इन आवर कंट्री टी 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 चाय मीन्स टाक. या कंबोडिया था. हम अभी हॉस्टल पहुंच चुके हैं. Yes. रात के 1 बज रहे हॉस्टल पहुंचते. कंबोडिया बॉर्डर पर मिले तो लाजमी इसके साथ आइएगा. सच अ नाइस गाय. एंड दिस टेलीग्राम गाड़ी है 4-व्हील. चले और मैं हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ. रात 1 बज रहे और अभी टैक्सी ने ड्रॉप किया है. सो हम चलते अपने रात के 1 बज चुके हैं और वैसे भी सब कुछ सब सो रहे हैं. और सुने अभी अंदाज पर कोई है नहीं.